ब्रह्मा ने अपनी बेटी सरस्वती का बलात्कार किया। अपनी बेटी भगवान है, काल्पनिक देवी देवता है, काल्पनिक चीजें हैं, काल्पनिक भूत प्रेत हैं। अति धर्म हमारे यहाँ एक कलंक से कम नहीं है। आप जाट परिवार से है और जाट परिवार में हिंदू, ये चीजें मैं कितनी बार बता चुका हूँ, जाट कोई जाति नहीं है। हाँ जी नमस्कार जी, सुभाष जी। नमस्कार जी। हाँ जी, पहले आपने जो शादी को लेकर पहले भी शादी चर्चा में आई और आज फिर आज गांव तितरम में पहुंचे हैं और यहाँ पर है जो आप वर्डिंग यूज कर रहे थे बर्मा सरस्वती कुछ क्या था वो एक बार बताएं। गांव तितरम में नहीं पहुंचे, तितरम मेरा अपना खुद का गांव। हाँ, आपका खुद का गांव है। हाँ, आपका पैतृक गांव है। तो आपने कुछ कहा था बर्मा सरस्वती। हाँ, वो बिल्कुल इसमें ग्रंथों में लिखा है, ज्योतिबा फुले की किताब में लिखी है चीजें। क्या इसमें कि ब्रह्मा ने अपनी बेटी सरस्वती का बलात्कार किया, अपनी बेटी सरस्वती के साथ शादी की और उसी को भी नाम ब्रह्मा ने रखा गया। अच्छा, ये ग्रंथों में लिखा, ज्योतिबा फुले की किताब गुलामगिरी में लिखा है। लेकिन कहते हैं दुनिया तो है जो ब्रह्मा के मुख से, मतलब ब्रह्मा ने बनाई है, वो आप इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? काल्पनिक तौर पर तो ये दावा आप भी कर सकते हो, सृष्टि मैंने खुद ने बनाई, आप भी कह सकते हो बात ऐसे कहने से। लेकिन बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री है या फिर जो बड़े बड़े जो कथावाचक है वो बोलते ही हैं कि वर्मा जी ने जो। हाँ, कौन बोलते कथावाचक? कथा का मतलब कहानी, कहानियाँ काल्पनिक होती है, कहानियाँ असली थोड़ा होती है। कहानी में और ऐतिहासिक चीज में फर्क है, वास्तविक में कहानी कहानी होती है, असली चीज असली होती है। ये तो बच्चों को दादी नानी कहानियाँ सुनाती, वो कहानी भी तो काल्पनिक थी, कोई भूत प्रेतों की कहानी। अच्छा, कमेंट आप पढ़ते हो कभी है? जो आप ये बयान देते हो कमेंट में आते हैं ना कि ये हिंदू हिंदू के पीछे क्यों पड़े, मुस्लिम को क्यों टारगेट करते हैं? किसमें? आपने यहाँ देखो, हम उसमें हर किसी भी धर्म में कोई भी रूढ़िवादिता है, पाखंड है, अंधविश्वास है, वो सभी का विरोध करते हैं, करते क्यों नहीं है? मुस्लिम का तो बोल रहे कि कभी करते हुए देखा नहीं आपको कि गलत चीजें तो कुछ वहाँ पे भी है। हाँ हाँ, देखो मुस्लिम समाज में कितने प्रोग्रेसिव लोग जो खुल के बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, खूब लोग बोलते हैं। अपने जावेद अख्तर कितना बढ़िया बोलता है, जावेद अख्तर तो एक जानी पहचानी शख्सियत है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब ये आपने जो यहाँ पे प्रोग्राम किया, बहुत से यहाँ पर लोग पहुंचे थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील थे वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, वो भी कह रहे थे पाखंडवाद है, ये है, क्या क्या डेफिनेशन है पाखंडवाद की? ये जितनी भी काल्पनिक चीजों को सच बना के थोपा जाए, जो चीज है ही नहीं उसको असल बना के थोपा जाए। तो क्या चीजें जो थोपी गई है? ये सारे जितने काल्पनिक भगवान है, काल्पनिक देवी देवता है, काल्पनिक चीजें, काल्पनिक भूत प्रेत हैं, ये सारे काल्पनिक वास्तविक हैं। इतने बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं और बन भी रहे हैं, काल्पनिक कैसे हो सकते हैं? हमारे देश में पूजा जाता है सर इनको, एज ए लाइक दैट, जैसे कि भगवान शिव जी हैं, बजरंग बली जी महाराज हैं, या फिर और भी हैं, वैष्णो देवी माता जी। अच्छा, हैं एक बात बताइए, हनुमान के बारे में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रामायण में आता है उन्होंने सूरज को मुंह में ले लिया। हाँ हाँ, सूरज धरती से 13 लाख गुना बड़ा है। कोई बंदर एक खरबूजा तरबूज भी मुंह में नहीं ले सकता, सूरज को कैसे मुंह में ले लेगा? तो उनमें शक्ति थी ना, शक्ति थी उनके अंदर, तो फिर वो शक्ति कहाँ चली गई? आज भी होनी चाहिए थी ना। तो अब तो कलयुग आ गया, लेकिन जो आराधना करते हैं उनकी, उनके तो वो काम करते हैं। तो कौन सा युग था जिसमें ऐसी चीजें संभव थी? तो ये सब चीजें नहीं थी, आप ये मतलब इनको नकार रहे हैं। उस युग का नाम बताइए ना, जिस युग में सतयुग ऐसे हाथ कर दिया, हाथ सतयुग बोलते हैं, साड़ी का थान निकल गया, सतयुग बोलते हैं। टेक्सटाइल मिल है तो सतयुग था, अब कलयुग है। उन चीजों के प्रमाण होते हैं हमेशा हर चीज के, जो चीजें प्रमाणित होती हैं साइंस के द्वारा वही वास्तविक मानी जाती है। अब काल्पनिक चीजों को कोई मानने वाला नहीं है। काल्पनिक है ये बिल्कुल, महाभारत रामायण ये काल्पनिक है? महाभारत रामायण दोनों के दोनों एक ग्रंथ किताब हैं, किताब के अलावा कुछ भी नहीं है, वो हिस्टोरिकल का है, उनमें पौराणिक है, पौराणिक कथा है, वो केवल कथा है, हिस्टोरिकल नहीं है, कोई उनमें सच्चाई नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो काल्पनिक है सारे। आप ये देखो बौद्ध काल कितना पुराना था, बौद्ध काल के अभी सारे, अभी खुदाई में सारी चीजें मिल रही हैं। महाभारत कहाँ लड़ी गई थी? कुरुक्षेत्र में। हाँ जी, कुरुक्षेत्र तो शहर ही 1973 में बना, उससे पहले कुरुक्षेत्र ना कोई शहर ही नहीं था।
तो खाली मैदान होगा ना उस टाइम, एक जगह नाम रख रखा होगा। अगर वहाँ महाभारत की वास्तव में लड़ाई होती तो आज वहाँ रथ के पहिए मिलते, वो हथियार मिलते, तीर वाले धनुष, वो सारी चीजें मिलती, वो जो जितने भी उस युद्ध में थे जो सोने चांदी के ताज पहने हुए थे वो एक भी नहीं मिला। धरती में वो चीजें मिलनी चाहिए थी, एक सिंगल ईंट तक नहीं मिली है। और अब बौद्ध काल का जो जितना सारा का सारा ऐतिहासिक चीजें वो मिल रही है, जमीन में बौद्ध मठ मिल रहे हैं, बौद्ध स्मारक मिल रहे हैं, उनके सारे निशान। एक कथावाचक है वो कह रहे थे कि हिंदू सनातनी है जो इनको है मारते पीटते थे लूटते थे ये बौद्ध धर्म वाले, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इन्हीं ने बौद्ध धर्म वालों को छल कपट से मारा है, यानी हिंदू लोगों ने। बिल्कुल नहीं, हिंदू तो शब्द अभी आया, सारा मुगल काल में आया हिंदू शब्द है। कौन था? सुप्रीम कोर्ट के आदेश, वो क्लियर कट है, 11 दिसंबर 1995 का भारत की सुप्रीम कोर्ट का फैसला लिखित में है। आप ऑनलाइन फैसले को निकालो, 11 दिसंबर 1995 का 3 जजों की बेंच का फैसला है, वो लिखता है हिंदू धर्म नहीं, हिंदू एक गाली के समान है, हिंदू शब्द तो बैन है कानूनी तौर पे, ये बिल्कुल छुपाया जा रहा है। आप इतना क्यों हिंदू के पीछे पड़े हुए हैं? आप ब्राह्मण ब्राह्मण वाद की बात करते हैं, आप जातिवादी नहीं मानते हैं, लेकिन इंडिया का तो कॉन्सेप्ट ही जातिवाद का धर्म कर रहा है। तो जातिवाद मानना कौन सी अच्छी बात है? इंसान को इंसान आप नहीं मानते? बिल्कुल भी नहीं मानते। आप जाट परिवार से है और जाट परिवार में हिंदू, ये चीजें मैं कितनी बार बता चुका हूँ, जाट कोई जाति नहीं है, जाट जातियों का समूह है, जाटे कुनबा है, कबीला है, परिवार है, सबसे बड़ा परिवार है। अच्छा, इसी में जाती है। कमेंट में कुछ भी और भी बातें लिखते हैं लोग, शायद आप पढ़ते नहीं है कि आप अपने जो बेटी की शादी किसी और जाति के लड़के से कर सकते हैं। ये बच्चों की इच्छा पे निर्भर है। अच्छा, ठीक है ना, आप जो खाना आप खाना चाहोगे वही खाओगे ना, मेरी मर्जी, मैं जबरन खिलाऊंगा आपको खाना, आप अपनी चॉइस से खाओगे ना। मतलब आप कोई जाति का कोई सिस्टम नहीं रखोगे, अगर उनकी इच्छा वो जहाँ पे भी करना चाहे। ये करो, जाति धर्म हमारे यहाँ एक कलंक से कम नहीं है, हमारे यहाँ तो बहुत पुरानी कहावत है, सदियों पुरानी एक कहावत होती है, जाट की बेटी जाट के जाओगी, उस क्या अर्थ है उस कहानी का, कहावत का, वो कहावत है, लोकोक्ति है, मुहावरा वो। अच्छा अच्छा, वो हकीकत पे है, लेकिन जा कहीं पे भी किसी से भी कर सकते हैं। में हम सारे के सारे ए टू जेड टोटल सारे जाट थे। ठीक ठीक, जाट समूह के लोग, जाट शब्द का शाब्दिक अर्थ है जुट कर रहना, बांट कर खाना, यानी जो लोग इकट्ठे रहते हैं। अच्छा। इकट्ठे रहने वाले समूह में रहने लोगों को ही जाट बोला जाता था, ये था बहुत साहित्य तक पढ़ो। तो भारत में फिर कौन लोग है जो बाहर से आए हैं? मैं ये बता रहा हूँ, इस देश का नाम भारत भी नहीं था उससे पहले, इस देश का नाम जम्बूद्वीप था। जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप, ठीक ठीक, तब भी है हमारी जो परंपराएं थी, विरासत थी, उस टाइम के कुदरती है अब तक भी। अच्छा अच्छा, वहाँ किसी कोई जाति नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, कोई छुआछूत नहीं था, कोई जात पात नहीं थी, सभी बराबर थे। ठीक, तो उसी काल में कहावत बनी है। चलो ठीक है जी, हाँ, इसका ये ऐतिहासिक कहावत है ये। ठीक है, हाँ, ये खाली नकली कहानी नहीं है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ सुभाष कुंडू जी, इनके लड़के की शादी बड़ी चर्चा में रही।